मुंबई की बोरीवली पश्चिम अक्सर नायथूड़ी गांव में हिंदू मुस्लिम एकता सौहार्द बनाए रखने हेतु ईद मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, शिवसेना विधायक प्रकाश दादा सुरवे, मां नगर सेवक जितेंद्र पटेल, नगर सेवक शिवानंद शेट्टी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित भारी संख्या में समाज सेवक, उद्योगपति, राजनेता उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन ईबी मुल्लाहा डॉक्टर हरीश बी शेट्टी, सलीम बागड़िया, इशाक मुल्ला, जानू भाई साफला, एड अकबर खान, इमरान खान, दुल कादिल मुल्ला एवं उनके सहयोगियों द्वारा किया था। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। ईद मिलन का कार्यक्रम का आयोजन मुस्लिम समाज के लोगों ने किया, मुझे बुलाया गया और एक सांसद के नाते मुझे, मैं सभी जगह पे जाता हूँ और वोट कौन देता है वोट कौन नहीं देता है ये बात की बात है, लेकिन समाज को साथ में जोड़ कर रखने के लिए जाना ही जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने समाज को यही संदेश दिया कि आप भाईचारा की बात खाली मुंह से करते हो लेकिन हमको व्यवहार में भी आने वाले दिनों में दिखाना पड़ेगा। और मैंने कहा कि मैंने तो अपने जीवन में, चुनाव तो सभी लोग जीतते हैं लेकिन चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों का दिल जीतना चाहिए और मैं दिल जीतने के लिए काम करते रहता हूँ। और आने वाले दिनों में भारत देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो कांग्रेस ने इतना साल चलाया वो चलेगा नहीं। और ये कांग्रेस ने जो भाईचारा का ढिंडोरा पीटा देश में, परसों पोईसर जिमखाना में एक कार्यक्रम हुआ उसमें संजय बांगर और संजय पाटिल ये दो पुलिस के इंस्पेक्टर आए थे उस कार्यक्रम में, उसमें से एक ने टीला लगाया और दूसरे ने टीका नहीं लगाया। ये कांग्रेस ने उनको जो सिखाया था वो दूसरे ने किया, उसको लगता है मैं बहुत सेक्युलर हूँ। ऐसे पुलिस वालों के बारे में भी हमको आने वाले दिन, भारत देश यानी भारत देश, उसके बारे में कोई दूसरा तीसरा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। पुलिस के लोग अगर इस प्रकार का काम करेंगे तो कैसा चलेगा, तनाव समाज में और बढ़ेगा आने वाले दिनों में। समाज में कदम करने का काम पुलिस ने करना चाहिए, पुलिस के बायोडाटा में या तो पुलिस के रीति रिवाज नियमों में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। ये कुछ ढोंगे लोग इस प्रकार के नियम बनाते हैं और समाज में तनाव पैदा करने का काम करते हैं। मैं देखूंगा कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ भी ना हो और समाज, सारे समाज के लोग एक साथ में मिलकर रहे। संघ का गीत जो है, सब समाज को साथ लिए आगे है बढ़ते जाना, ये 1925 हम लोग गा रहे हैं। 2014 में मोदी जी की सरकार दिल्ली में आने के बाद में गीत नहीं बनाए, पहले से बनाए। ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, भारी संख्या में लोग उपस्थित थे, क्या कहना चाहेंगे? वो तो सबको पता है, ईद मिलन में हम सब हिंदू मुस्लिम मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं, वो इसीलिए कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। जो लोग भड़काते हैं ना, मुसलमानों को कोई भड़काता है, हिंदुओं को कोई भड़काता है, उन भड़काने वाले को एक सबक सिखाते हैं हम कि हम सब एक साथ में हैं। हिंदू के कोई कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है। ये आप यहाँ का माहौल देख करके पता चलता है कि कोई खतरे में नहीं है, जो खतरे में है वो दंगा फैलाने वाला खतरे में है, कल उठ के यही पब्लिक उनको पकड़ के मारने वाली है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हम सब हिंदू मुस्लिम सब एक है, हम सब भाई भाई की तरह रहते हैं। हर किसी भी तकलीफ में, मुसलमान को तकलीफ़ हुआ तो हिंदू भाग के जाता है, हिंदू को तकलीफ हुआ तो मुसलमान भाग के आता है, तो ऐसे में हम कैसे कह सकते कि हम खतरे में हैं, कोई भी खतरे में कैसे हो सकता है। आज के मौके पर यहाँ पे ईद मिलन समारोह का आयोजन किया, गाड़ी निकालने को बोला ना, आज का ईद मिलन हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे कंधे से कंधा मिलाने वाले हमारे हरीश शेट्टी साहब, हमारे जग्गू भाई सावला, हमारे सलीम भाई, हमारे अकबर भाई, इसाक भाई, कार्तिक भाई, ऐसे सभी हमारे लोग, उसमें हमारे खासदार गोपाल शेट्टी साहब जी यहाँ उपस्थित हुए और हमारे प्रकाश दादा सुरवे जो गरीबों के दाता है, आमदार है, वो भी उपस्थित हुए और अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने किया, गोपाल शेट्टी ने भी और हमारे आमदार ने भी। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो ईद मिलन है, ये ईद मिलन का उद्देश्य क्या है? ईद मिलन का उद्देश्य ऐसा है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, हमारा हमेशा नारा रहता है, क्योंकि देश में शांति बनी रहे। जैसा कि अभी रमज़ान महीना गया, रमज़ान महीने में माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरे देश में शांति थी, हमने रमज़ान महीने में पूरा दुआ किया। उसके बाद ईद आई, ईद में भी हमने दुआ किया कि अल्लाह पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति रहे, और वही शांति का नारा देने के लिए इसलिए हम लोग ईद का मिलन का कार्यक्रम लेते हैं। उसी में हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ऐसे हमारे गांव के
ठाकुर बागाड़ी के हमारे विठल मंदिर के ट्रस्टी, सभी सभी मंदिरों के ट्रस्टी, हमारे चारों गांव के लोग, ये सब यहाँ उपस्थित हुए। मुकेश भाई मेहता ऐसे सभी, और पुलिस अधिकारी नीरज सावन, MHB के और बोरेली के कुणालकर साहब, ऐसे सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित होते हैं। संजय पवार जी, ऐसे सभी उपस्थित होते हैं। मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे देश में शांति कायम रहे। और हम वापस एक नारा देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ये नारा देते हुए जय हिंद जय महाराष्ट्र।